गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं हूं पाठक। हां जी गाइस, देख सकते हो आप अभी मैं कहां पे हूं। सो लोकेशन से आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। सो लोकेशन ना मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हां जी, तो हम आ चुके हैं पटना के एक न्यू कैफे में जिसका नाम है दिल्ली चौक। जी हाँ, दिल्ली का कैफे आपको पटना में देखने को मिलने वाला है। कुछ ही दिन पहले ना ये कैफे स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, ज़्यादा दिन इसका नहीं हुआ है। सो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि न्यू कैफे रेस्टोरेंट देखना ना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो हम लोग आ चुके हैं एक न्यू कैफे में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर मैंने पूरा घूम लिया एंड पटना में आपको ना दिल्ली का स्वाद मिलने वाला है। जी हाँ, इसका नाम ही आपको पूरा यूनिक लग रहा होगा। सो यहाँ पे भी आप फूड वगैरह सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो चलिए मैं आपको अंदर भी चल के दिखाती हूँ। यहाँ से आइए, हम लोग एंटर करने वाले हैं। सो आइए। हाँ तो एंटर करते ही आप देख सकते हो पूरा आपको इस तरीके का दिखने वाला है कैफे हमारा, जो कि मैं आपको आगे डिटेल्स में दिखाने वाली हूँ। फिलहाल इस साइड से आप देख सकते हो आपको मॉकटेल काउंटर पूरा इस तरीके से मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल मैं ना अभी दिन के टाइम में आई हूँ, इसलिए आपको ऐसे लग रहा, बट आप अगर इवनिंग या नाइट के टाइम में आते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये वाला कैफे ना खूबसूरत दिखने वाला है। आइए आगे चलते हैं। हाँ जी गाइस, जैसे आप अंदर आते हो ना, तो पूरे में आपको इस तरीके से एक साइड से आपको टेबल और छोटे छोटे से चेयर मिल जाते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड से आपको सोफे मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। सो ये वाला जो एरिया है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको आप प्राइवेट एरिया बोल सकते हो। यहाँ पे कपल्स फ्रेंड के साथ आप इंजॉय कर सकते हो, अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। ये वाला एरिया स्पेशली मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मिरर विरर लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। सेल्फी पॉइंट भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे अगर आप पिक वगैरह क्लिक करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है यहाँ पे ऐसे करके साथ, या फिर आप कपल्स में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे ना आपको नॉर्मली दो टेबल मिल जाएंगे इस तरीके से, और सोफे मिल जाएंगे। सो गाइस, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा बाहर में देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो इस साइड से ना आपको पूरे में चेयर और छोटे छोटे से टेबल मिलने वाले हैं। देख सकते हो पानी वगैरह मेन्यू आपको सारे में देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक मेन्यू है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। और इस साइड से आपको टेबल और सोफे मिल जाते हैं इस तरीके से। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। हाँ जी गाइस, सो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा मेन्यू यहाँ का। सो आइए इस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। हाँ तो देख सकते हो आपको यहाँ पे ना सब कुछ नॉर्मली दिखने वाला है, देख सकते हो। थोड़ा सा पास करके दिखाइएगा, लोगों को ना दिखता नहीं है, थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। दूर से दिखाती हूँ ना तो मैं दिखता नहीं है। हाँ ऐसे करके देख सकते हो सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पर दिखने वाली है, वेज में नॉन वेज में जो भी होता है ना वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना आपको दो पूरे मेन्यू मिलने वाले हैं, देख सकते हो। एक में आपको शेक वगैरह जो भी होते हैं, जूस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मोजिटो वगैरह मिलने वाली है इसमें, और एक में आपको खाना का जो भी आइटम होता है ना, वो सारा कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम पीने वाला है यहाँ पे ओरियो चॉकलेट शेक, ठीक है। इसमें पूरा आपको चॉकलेट दिख रहा होगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। तो एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट वाइज अमेजिंग। और भी बहुत सारे फूड्स हमने ऑर्डर किए हैं, जो कि आने अभी बाकी हैं, सब आता है उसके बाद मैं आपको खा खा के टेस्ट बताऊंगी। यहाँ के सारे फूड्स ना डिलीशियस होने वाले हैं। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ढेर सारे फूड्स आ चुके हैं, जो कि मैं आपको अभी टेस्ट करके बताने वाली हूँ। हाँ तो क्या सब है थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला, और उसके बाद हमने दो आइटम इसमें किया था ऑर्डर। एक है हमारा मशरूम बटर मसाला, और ये हमारा बेबी कॉर्न हमेशा से हमारा फेवरेट, और वेज बिरयानी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे लच्छे पराठे हमारे, और ये रहा हमारा रायता। और इस साइड से मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं बेबी कॉर्न। आप देख सकते हो यहाँ पे देखने में ही काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होगा आपको, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने तो पूरा चट भी कर दिया, देख सकते हो। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं पनीर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब थोड़ा सा मशरूम टेस्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, मशरूम जो बटर मसाला है ना, वो भी एक नंबर है। टेस्ट वाइज ना सारे फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। सो आप आ सकते हो इस कैफ़े में, और प्राइस भी ना बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा गया है।
सो नो डाउट सारे फूड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मैं अभी टेस्ट करने वाली हूँ। मतलब यार खाना ना देखने से ही लग जाता है कि कैसा होगा, देखने से ही आप देखते तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी यम्मी लग रहा है, सेम खाने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो ज़रूर से आइएगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको मिलने वाला है यहाँ पे स्पेशली फूड। हाँ जी गाइस, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ना, तो आपको ये कैफ़े मिलने वाला है बोरिंग रोड नागेश्वर कॉलोनी किदवाईपुरी में, एक गोल्ड्स जिम है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसी के जस्ट बगल में ना आपको दिल्ली चौक करके ये वाला कैफ़े मिलने वाला है। सो आप लोग आ सकते हो। बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।